सुप्रीम कोर्ट पंजाब ए केपी में नवे डी अंदर चूंड कराने जो हुक्म दे छो। वफाक के चूंड ला इलेक्शन कमीशन के समूरू सहूलत दियण की हिदायत। पंज रुकनी बेंच बिन जजेस फैसले से इख्तिलाफ कयो, टिन जजेस की अक्सर से फैसलो बुधायो वयो। इलेक्शन कमीशन के पंजाब में चूंड ला सदर ए केपी में चूंड ला गवर्नर से मुशावरत कर जल्द तारीख दियण की हिदायत। अदालत है आइन में चूंड ला 60-90 डी जो वक्त दिनल है, 90 डी में चूंडू कराण जरूरी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बुधनी हेठ मामले ते पान मुरादू नोटिस नथी वठी सके। अदालत के 184(2) जो अख्तियार एडन मामलन में इस्तेमाल न करण घुर्जे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो फैसले ते इख्तिलाफी नोट। बिन्हीं जजेस चयो आहे त चूंडन वाले मामले ते सुप्रीम कोर्ट के पान मुरादू नोटिस न वठण घुर्जे। हा जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनला जी मौकिफ जी हिमायत कयूं था। 90 डी अंदर चूंडू कराण वाली दरख्वास्त रद्द करूं था। रिकॉर्ड में 5 में 7 मौजूद जज साहबान के फैसले मौजूद हैं, उसमें से 2 मौजूद जज साहबान ने 23-2 को इन पिटिशन को डिसमिस किया। आज 2 मौजूद जज साहबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया। तो 4 मौजूद जज साहबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मौजूद जज साहबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मौजूद जज साहबान ने कहा कि हम यही करते हैं, जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अदालतों जस्टिस याही आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनला साहब ने तहरीर की है अपने नोट कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिले समाप्त नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात है वो आज के फाइनल ऑर्डर का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की जरूरत है, ना फर्दर तशरीह की जरूरत है। कभी जज साहब की राय आने के बाद और ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मकसद ये है कि ये पिटीशन 4-3 से मुस्तरद हो गई है। 4 मौजूद जज साहबान वो दिखते हैं कि ये काबिले समाप्त नहीं है। अब ये फैसला कानून और आईन के मुताबिक हाईकोर्ट के जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उनमें हो जाएगा। वधिक बिन जजेस पिटीशन के रद्द कर छो है, जैं सब फैसलो 4-3 के अक्सर से आयो। फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल न कंदासी। कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ चयो है त जस्टिस यही आफरीदी और जस्टिस अतर मिनला पहिरीं ही पिटीशन के रद्द कर चुका आहिनि। हाईकोर्ट्स में दरख्वास्तूं ॿुधणीअ हेठि आहिनि जिन ते फैसलो अचणो आहे। अटॉर्नी जनरल चयो त हक़ीक़तूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। 3 जजिस हिकु फ़ैसिलो ऐं 4 जजिस पिटीशन रद्द कयूं आहिनि। तशरीह हाईकोर्ट कंदी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चूंडुनि बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद जेल भरियो तहरीक मुल्तवी करे छॾी। पंजाब ऐं केपी में चूंड मुहिम शुरू करण जो ऐलान। इमरान खान चयो आहे त आइन जो तहफ़ सुप्रीम कोर्ट जो फर्ज़ हो, अदालत फ़ैसिले ज़रिए पंहिंजो फर्ज़ बहादुरी सां निभायो आहे, हाणे असां चूंड मुहिम न वधी रहिया आहियूं। फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत प्रॉपर नंबर भेज देगी कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहां पर मैं ये वाजे आपको करता हूं कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शन है उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने इंडोर्स किया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि आप सदर मुल्क के पास फौरन जाए और उन्हें अपनी डेट प्रपोज करें। कल जो डेट यहां पे इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी वो 25 अप्रैल की थी। उन्होंने कहा अगर आप 25 करते हैं तो हम उसमें कर सकते हैं। मेरी जाती राय में 90 दिन का जो हमारी जो बंदिश है उसको किसी सूरत वायलेट नहीं होना चाहिए।
पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौम की फतह करार दई छो। फवाद चौधरी अदालती फैसलो आइन की फतह है, हुकूमत अदालती फैसले से अमल न कयो तो सुप्रीम कोर्ट खेन घर मोकले छींदी। शेख रशीद पंजाब ए केपी में इंदड़ हुकूमत पीटीआई की होंगी। जजेस ने ये क्लियर कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। हमने भी जेलें देखी है, हमें तो कभी इस तरह की रिहायत नहीं मिली कि रात को 12 बजे 1 बजे के हमारे लिए अदालत जाए। तो इस वक्त वो लाइफलाइन चल रहा है, ये जो कि मुल्क के लिए खतरे की बायस है। ये अगर मुल्जिम है तो उसको मुल्जिम की तरह ट्रीट किया जाए, और अगर उसके लिए जो रियायत है वो पाकिस्तान में फिर हर शख्स के लिए कानून होना चाहिए, हर शख्स के लिए। मुल्क के आइन ॾींदड़ लीडर जी केस की ॿुधणी न थी रही है, दातले लाइ आधी रात जो अदालतू खोलियूं पयूं वञनि। सूबाई वजीर शर्जील मेमन चयो त दादले लाइ कानून धार ऐं असां लाइ अलॻि आहे, दादलो मुल्क लाइ खतरो बणजंदो पियो वञे, क़ौम खे सुञाणे चुकी आहे, हाणे खेसि कुझु न मिलंदो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोए इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सेठ अहम इजलास, केपी ए पंजाब में चूंडन ए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते गौर वीचार। इलेक्शन कमीशन पारा बिनी सूबन में चूंडन लाए सदर ए केपी जी गवर्नर सा बीहर मशावर जो फैसलो, सुभाणे बीहर मशावरती इजलास थींदो। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान समेत पीटीआई के 21 अगवाणन से धारधार केस दाखिल। केसन में इमरान खान, शिबली फराज, मुराद सईद, फरख हबीब, राजा खुरम ए शहजाद वसीम समेत बेन के नामजद किया वो। रिमना थाने से दाखिल केस में सरकारी मिल्कियत के नुकसान पहुंचाण ए पुलिस एहलकारन के धमकाण जा कलम शामिल किया वया। घरू वजीर राणा सनावला चयो त गुजरियल ॾींहुं रिथाबंदी तहत हमलो किया वो, फुटेज में तशद्दुद कंदे नजर ईंदड़न के गिरफ्तार किया वेंदो। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के हमले जो जिम्मेवार भी इमरान खान है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट असद उमर अली नवाज अवान ए राजा खुरम नवाज की इस्तीफा मंजूर करने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर छो। इस्लामाबाद के टिन तकन से नंढी चूंड रोकने जो हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स दींदे तो पेरी अवान चई रहा हुआ तो इस्तीफा मंजूर न थी रहा, हाँ चई रहा आयो तो इस्तीफा गलत मंजूर थे। पीटीआई के वकील अली जफर चयो तो पीटीआई जा एमएनएस वापस असेंबली वन चाहन था। एफआईए पारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलविस फरद शहजादी उर्फ फरा गोगी के पाकिस्तान आणन लाए इंटरपोल से राबतो करने फैसलो। एफआईए फरद शहजादी के गिरफ्तार करने लाए गरु वजारत का इजाजत घुरी वरती। एफआईए जरिए मूजिब फरद शहजादी के इश्तिहारी करार दियण लाए अदालत में रेड वारंट हासिल कया वेंदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पारा इंजीनियरिंग डिवीजन रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स जो दौरो। आईएसपीआर जो चवण है तो पाक आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम आर्मी चीफ के ब्रीफिंग दिनी। आर्मी चीफ के तुर्किया में जिलजिले मुतासर इलाकन में इमदादी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग दिनी वही। आर्मी चीफ रेस्क्यू टीम की कोशिशों की वाखाण कई। सिंध के कॉम्पर्स तंजीमन ए साझा वंदन जा खदशा रद्द। सिंध में पहली डिजिटल आदमशुमारी शुरू थी वही। बिना सुणप कार्ड के थन्दड़ आदमशुमारी लाए सेंसस खाते जा इंतजाम भी अणपूरा। अक्सर हंधन से अमले के टेबलेट समेत बो सामान घट फराम किया वो। अवाम भी डिजिटल आदमशुमारी का बेखबर बणियल। सिंध हाईकोर्ट सखर बेच आईबीए टेस्ट पास उस्तादन के बिन महीनन अंदर पघारू दियण लाए लिखत में कसमनामो जमा करण जो हुकुम दई छो। अदालत उस्तादन के बिन महीनन अंदर पघारू जारी करण जो हुकुम दींदे तालीम खाते का अग भराई रिपोर्ट तलब कंदे बुधनी मुलतवी करे छी।
जोल भरसा पुलिस की वही कार्रवाई, मंशियात विक्रो कंदड़ फोर्स की वर्दी पैरल जवाबदार गिरफ्तार। करोड़े रुपये की मंशियात हथ, पुलिस चवण है तो गिरफ्तार थियल टिन जवाबदार के कब्जे में छह मण का चर्स, सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी, फोर्स यूनिफॉर्म्स, सरकारी सर्विस कार्ड सद क्या व्या।